अरे यार, दुनिया में पैदा तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ऐसा जन्मदिन किस्मत वालों को ही मिलता है। ये बात तो है, साल के एक ही दिन में दो दो खुशियां मना सकते हैं, एक जन्मदिन की और एक क्रिसमस की। ये लड़की बड़ी किस्मत वाली है जो उसको ऐसे माँ बाप मिले। अरे दिल खोल के खर्च किया लोगों ने। एक बात कान खोल के सुन लो, मालिक ने जो जो कहा है सब पूरा हो जाना चाहिए, काम में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? गिफ्ट बॉक्स तैयार हो गए? जी सर, थोड़ा सा बाकी है सर। अरे जल्दी जल्दी करो। जी सर। और ये क्या, एक क्रिसमस ट्री अभी तक तैयार नहीं हो गया, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर लंच के बाद ये भी तैयार हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता की बात है, पार्टी बड़ी है और तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ी की ना तो मालिक मुझे यहाँ रहने नहीं देगा और मैं तुम लोगों को, समझे? अरे भाई लंच टाइम हो गया, लंच टाइम, चलो 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 चलो। भाई साहब नमस्कार, कश्यप बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कल शिमोना का बर्थडे है और एक छोटी सी पार्टी रखी है तो आपको आना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रीम पास कर। नहीं यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ और ट्राई कर। गंदा ही है। ये ट्राई कर। ओके पिंक, गर्ल कलर, प्रिटी नो? नो ब्लैक, ब्लैक आई थिंक बेटर। यार अच्छा लग रहा है। प्रिटी सुना, फाइनल? ओके ओके, चल यार डी टू डैन, कल मिलते। ओके नो प्रॉब्लम, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ हाँ, पूरे परिवार के साथ आना है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल आइए, आपका घर है, मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू कश्यप। देखो एक बार फिर सोच लो, अब भी वक्त है, रोक दो ना ये पार्टी। देखो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम खुद तो डरी हुई हो और मुझे भी डरा के रखती हो। इन बेकार की धमकियों की वजह से मैं अपनी बच्ची का बर्थडे नहीं मनाऊंगा। अरे बर्थडे मनाने के लिए कौन मना कर रहा है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हालात को समझो, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? देखो तुम फालतू की चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैडम कश्यप सर सही कह रहे हैं, मेरे होते हुए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनो तो सही, सजन तुम मेरे साथ ऊपर आओ, पार्टी के सिक्योरिटी के लिए कुछ डिस्कस करना है। अरे मोहन तुम भी साथ में आओ जरा। मम्मा, पापा, काका, हाँ बाबा आ रही हूँ। कोई भी नहीं है? हेलो कोई है क्या? हेलो कोई है? हैप्पी बर्थडे एंड मेरी क्रिसमस टू शिमोन। वाओ बट एक सेकंड, पर ये दिया किसने? कोई है यहाँ पे? हेलो। एनीवेज जिस किसी ने भी दिया उसको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बेटा क्या हुआ? देखो बेटा,
ये कहाँ मिला तुम्हें? वॉचमैन, वॉचमैन! मैंने कहा था ना आपसे, कहा था ना मैंने? चुप, चुप, एकदम चुप। ये कोई, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। कोई, वॉचमैन! क्या हुआ साहब? ये कहाँ से आया घर में? पता नहीं साहब, मैंने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा। अरे तुमने नहीं देखा तो घर में कैसे आया ये? अरे क्या मालूम साहब? चुप, चुप, रोना नहीं, तुम जाओ अपने रूम। और तुम इसके साथ जाओ और ध्यान रखना इसका। आप टेंशन मत लीजिए सर, तुम मेरे साथ चलो। कश्यप, मुझे लगता है हमें सीआईडी को बुला लेना चाहिए। सीआईडी को? हाँ सीआईडी को। अगर ये सब सीआईडी को बताऊंगा तो मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। भाई कुछ भी कहो, पार्टी का थीम तुमने बहुत अच्छा डिसाइड किया है, क्रिसमस। ऐसा है ना यार कि वो शिमोना बोलेगी इस बार कुछ हटके होना चाहिए और ऊपर से क्रिसमस था तो बस हम दोनों ने इनको मिला दिया। बाय। भाभी जी, इसे कहते हैं दिमाग। अरे यार एक बात बता, इतनी सिक्योरिटी बुलाने की क्या जरूरत थी? वो ऐसा है ना यार कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी को खराब करना चाहते हैं, बस ये समझ लो कि उन लोगों से बचने के लिए मैंने ये सिक्योरिटी का इंतजाम किया है और कुछ नहीं। ये भी सही है। देखा भाभी जी मेरे दोस्तों, इसने पार्टी का मजा खराब ना हो इसलिए सिक्योरिटी बुलाई है। ये सब ध्यान से यहाँ पे रख दो। अरे अभी तक केक नहीं आया, मैं देखकर आती हूँ। व्हाट सिक्स नाउ? हाँ हाँ तुम देखकर आओ। अच्छा वो जो सिक्योरिटी वाला है वहाँ का, उसका ध्यान रखना। ओके सर। पापा कहाँ हैं? नहीं भाई वो है। डैड, ये क्या चल रहा है? मेरी बर्थडे केक कहाँ है? यस, आपकी बर्थडे केक अभी आ जाएगी। आपकी मम्मी गई है देखने के लिए। Okay. लेकिन आपने अपने गिफ्ट्स देखे? नहीं, केक का कोई प्रॉब्लम नहीं अंकल, लेकिन पहले आप ये बंदूक वालों से तो पीछे छुड़ा दीजिए, हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं पीछे आ जाते हैं। ओके, अभी ये तुम लोगों का पीछा नहीं करेंगे। जाओ अपने गिफ्ट्स देखो। ओके तुम दोनों मेरे गिफ्ट्स को हाथ नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये सारी गिफ्ट्स मेरी है और आज मेरा बर्थ है इसलिए। ठीक है पापा, जैसे तेरी मर्जी। ए, इसे खोलकर देख ला। बोला था ना छूना मत। ठीक है यार, देखते भी क्या हर्ज है, खोलकर तो देख लेना, हम दोनों वहां खड़े हो जाते हैं। अजीब तरीके का बॉम्ब है, पूरे शरीर में लकड़ी की कीले चुभी हुई है। एक काम करो, बॉडी को लेके जाओ। सर ऐसा चल, ये देखिए सर बॉम्ब का टुकड़ा। हिम्मत से काम लो कश्यप। ए, रुको, ए, रुको, कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बच्ची को? ए, रुको सर, सर हिम्मत से। प्लीज प्लीज बच्ची को लेके जाओ। प्लीज संभालिए अपने आप। सर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सर, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ सर, ये सब मेरी वजह से हुआ। आपकी वजह से हुआ?
कैसे? मेरी बीवी नहीं चाहती थी कि ये पार्टी हो। अगर मैं अपनी बीवी की बात मान लेता तो मेरी फूल सी बच्ची अभी जिंदा होती सर मेरे। आपकी वाइफ ने इस पार्टी के लिए मना किया था? सर, मना किया था उसने। कहाँ है आपकी वाइफ? सर, वो भी कल से गायब है सर। वो पार्टी के बाद से गायब है, नहीं मिली मेरे को। गायब है? बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद जो भगदड़ मची उसके बाद से वो मुझे दिखी नहीं सर, पता नहीं कहाँ चली गई। मिस्टर कश्यप, ब्लास्ट होने के बाद इतना टाइम हो चुका है, आपने अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर क्या करता है सर, जिसके सामने उसकी बच्ची की लाश, छोटी बच्ची की लाश हो तो वो क्या करेगा सर, उसको क्या दिखेगा, क्या करेगा, सब खत्म हो गया मेरा। सर हिम्मत रखिए, सब लूट गया सर, मैं बर्बाद हो गया। इनको ले जाओ। सचिन रेडी, जरा होटल में जाके देखो इनकी वाइफ कहीं है क्या। ये कैसे हुआ है सर? पता नहीं सर। पता नहीं? तुम कश्यप के सिक्योरिटी इंचार्ज हो ना? यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, क्या कर रहे थे तुम लोग, कैसे पता नहीं है? सर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, एक एक आदमी को अंदर चेक करके जाने दिया था, सब कुछ ठीक ठाक था सर, पता नहीं अचानक ये सब कैसे हो गया। अगर तुमने चेक किया था तो पार्टी में बॉम्ब कहाँ से आया है? सर मुझे लगता है वो बॉम्ब पहले से ही पार्टी में रखा गया। ये क्या कह रहे हैं सर, यहाँ पहले से बॉम्ब कहाँ से आया? ये तो आप बताइए, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इतने लोग घायल हो गए हैं, एक बच्चे की मौत हो गई है, इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा मैनेजर साहब, कहाँ से आया बॉम्ब? सर बॉम्ब होटल के लोगों में से किसी ने रखा था, मैंने देखा था, शिमोना ने जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खोला वैसे बॉम्ब फट गया था। गिफ्ट बॉक्स में था बॉम्ब? जी सर, सारे के सारे गिफ्ट शिमोना की डैडी की तरफ से थे और बॉक्सेस होटल वालों ने तैयार किए थे। ये सारे के सारे गिफ्ट बॉक्सेस आप लोगों ने ही तैयार किए थे ना? हाँ सर। जिन जिन लोगों ने गिफ्ट तैयार किए थे उन सबको बुलाइए। क्या हुआ? ये देखिए, माय गॉड, बाहर निकलो। ये तो बेहोश, पानी ले आओ पानी। यस संभाल के पानी। भाई साहब, भाई साहब उठिए उठिए, देखो तुम। अरे इसके सिर पे तो चोट लगी है। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? साहब मारा किसी ने। किसने किसने मारा तुम? चेहरा नहीं देखा साहब, पीछे से मारा। तुम यहाँ पे क्या करने आए थे? यूनिफॉर्म चेंज करने आया था। यूनिफॉर्म चेंज करने? हाँ साहब। फ्रेडी मिला? नहीं उधर भी नहीं। कहीं खूनी पहन के तो नहीं भाग गया? अगर खूनी इसकी यूनिफॉर्म पहन के भाग गया है तो उसके कपड़े तो यही होने चाहिए ना। देखो कहां मिलते हैं। फ्रेडी ये देखो, फ्रेडी ये देखो, उस खूनी के कपड़े यहां पे रखे थे। अच्छा एक काम करो, इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। हेलो साहब, हमने तो कुछ नहीं किया साहब, हम तो सिर्फ साहब गिफ्ट बॉक्स तैयार कर रहे थे साहब। बॉम्ब कहां से आया? कहां से आया बॉम्ब? पता नहीं साहब,
कहां से आया? एक बच्ची की मौत हो गई है और तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, है? ये सब जानते हैं सर, इनमें से ही किसी ने बॉम्ब रखा है सर। हमने बॉम्ब नहीं रखा सर, ये सब झूठ है। ये सच है, हमें ये कपड़े मिले स्टोर रूम में से। किसके कपड़े हैं ये? सर ये कपड़े खूनी के, स्टोर रूम में एक स्टाफ का आदमी बेहोश पड़ा मिला सर। बेहोश था? हाँ सर, उसका नाम रंजन है। आपके स्टाफ में कोई रंजन नाम का आदमी है? हाँ सर है, मगर वो काम पे दिखा नहीं। दिखेगा कैसे सर, उसे किसी ने बेहोश किया, उसके कपड़े पहनकर निकल गया और अपने कपड़े छोड़ गया। काफी चालाक है खूनी, स्टाफ के कपड़े पहने ताकि किसी को शक ना हो, आसानी से बम रख के निकल गया। ये कपड़े देखिए आप लोग, पहचानते हैं किसके कपड़े हैं? पहले कभी देखा इन कपड़ों को? नहीं सर। ऐसे कश्यप, अब आप ही कुछ बताइए, खूनी आपको टारगेट कर रहा है, आपकी बेटी का खून किया और आपकी वाइफ दिवांशी अब गायब है, कौन कर सकता है ये? हैं? हमने कई बार ट्राई किया है, फोन की घंटी बज रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। आप ये बताइए कि इस वक्त फोन की लोकेशन कहां पे है, कहां पे है ये फोन? नंबर है 01282020210। या प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा। थैंक यू। खूनी ने तुम्हें धमकी भी दी थी फिर भी इतनी लापरवाही की तुमने, हा? अरे इस डॉल को देखते ही हमें फोन तो करना चाहिए था। गलती हुई है सर मुझसे, और उसकी सजा भी मुझे मिल गई, मेरी बेटी मुझसे छिन गई सर। सर एक मिनट, क्या है? बॉक्स के नीचे कुछ लगा हुआ, पेपर? ये तो गिफ्ट पेपर लग रहा है, शायद सिमोना ने जब इसे खोला होगा तो ये चिपका रहेगा। पर चिपका कैसे? शायद ये पॉलिश गिली होगी सर, इसलिए चिपक गया। हाँ मगर इतनी जल्दी भी क्या थी कि पॉलिश सूखने से पहले ये लेके आ गया वो? कुछ नहीं सर, उसे मेरी बेटी को मारना था, ये सब मेरी वजह से हुआ सर, मेरी वजह से। मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से होगा? ये जो कुछ भी हो रहा है सर, उसके पीछे मेरा बीता हुआ कल है सर। बीता हुआ कल मतलब? मेरा बीता हुआ कल गुनाहों से भरा हुआ है सर। गुनाहों से? कैसे गुनाह है? कैसे गुनाह? 15 साल पहले मैं एक चोर था सर, और मेरा एक पार्टनर हुआ करता था बॉबी। कुछ साल पहले हमने एक धनवान आदमी के यहाँ पे चोरी की थी, सिर्फ चोरी, हमने किसी गरीब को तंग नहीं किया और ना ही किसी की जान ली। मगर उस रात जैसे ही उस आदमी ने शोर मचाया, हम लोग तो डर गए, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन बॉबी ये गलती कर बैठा। क्या किया तूने? मार डाला उसको। अरे छोड़ से तू, भाग भाग, छोड़ मुझे, कश्यप बचा। मैं जानता था अगर मैं वहां रुकता तो हम दोनों पकड़े जाते और मैं वहां से भाग। कश्यप नहीं, इसका मतलब है बॉबी तुमसे बदला ले रहा है ना? हाँ सर, इससे पहले भी मुझे धमकी भरे फोन और लेटर आते रहे, इसीलिए मैंने सजन को अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था। सिक्योरिटी के भरोसे पे रहा कि अपने बेटी की जान गवा दी? गलती मेरी है सर, मैं इन धमकियों को मजाक समझता रहा। दिवांशी, बात करो मगर स्पीकर फोन ऑन करो। हेलो दिवांशी, अब तक जिंदा है मगर जल्दी 5 करोड़ नहीं पहुंचे तो ऊपर पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। बॉबी, सही पहचाना मेरे दोस्त। बॉबी, तूने मेरी बेटी को मारा, क्यों? मुझे दुख है तेरी बेटी के मरने का, मगर जल्दी से 5 करोड़ लेके नहीं आए तो तेरी बीवी भी नहीं बचेगी, कल फोन करता हूँ। हेलो बॉबी, बॉबी कश्यप जी, ये सब कुछ हुआ है पैसों के लिए,
हेलो, फोन का पता चल गया? कहां पे? बोरीवली, बोरीवली में कहां पे? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। फोन की लोकेशन इस वक्त बोरीवली नेशनल पार्क के आसपास है। बोरीवली नेशनल पार्क के आसपास? विवेक जाके पता लगा कहां पे छुपा के रखा है। यस सर। मिस्टर कश्यप, ये बॉबी किस जेल में था? ये तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन कुछ जुलाई 2006 में वो बांबली से गिरफ्तार हुआ था। ठीक है, वो हम पता लगा लेंगे। अब आप जा सकते हैं। रेडी, इनके साथ जाओ। चलिए। हाँ सारूंगे। बॉम्ब के बारे में क्या पता चला? बॉस, ये बॉम्ब लो इंटेंसिटी का है और घरेलू सामान से बनाया हुआ है। घरेलू सामान से बनाया? जी हाँ। अच्छा, और एक और अजीब बात देखी मैंने इस बॉम्ब में। वो क्या? मैं बताता हूँ, आइए मेरे साथ। बॉस, ये बॉम्ब के ये जो लकड़ी के टुकड़े इसके बदन में है, ये किसी साधारण लकड़ी के टुकड़े नहीं है। ये बहुत ही कीमती और मजबूत लकड़ी के टुकड़े हैं और इस लकड़ी को पॉलिश भी किया गया है। सर, होटल के स्टाफ रूम से आप लोग जो कपड़े लाए थे उनमें मुझे ये लकड़ी का बुरादा मिला है, सॉडस्ट। खूनी के कपड़ों में लकड़ी का बुरादा? और एक बात सर, इस पैंट की जेब में से मुझे वॉर्निश भी मिला है। सॉडस्ट भी, वार्निश भी? मतलब सर, खूनी कोई लकड़ी का काम करने वाला आदमी है, तो लकड़ी के काम के साथ साथ उन्हें पॉलिश भी करता है। मतलब दया, ये कोई कारपेंटर है। हाँ वे, क्या पता चला? ये बताने के लिए फोन किया तुमने मुझे? देवांशी का पता नहीं चला तो पता लगा, खाली हाथ वापस मत आना। सर, उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला सर। सर, वो मेरी बीवी को भी मार डालेंगे। सर, मेरी बीवी को मार डालेंगे वो लोग। बात करो। हेलो कश्यप। हाँ बोलो। ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, तुमको बीवी चाहिए या पैसा? मुझे मेरी बीवी चाहिए। फिर से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। देखो, मैंने सोच लिया, मुझे प्लीज मेरी बीवी वापस कर दो। तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना पैसा दे दूंगा तुमको। 5 करोड़ रुपए लेके आ जाना, बीवी जिंदा मिलेगी। 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। कहाँ लेकर आऊँ? इतनी भी क्या जल्दी है, जगह भी बता दूंगा, पैसे का इंतजाम करो पहले। हेलो 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 सर, आप क्या करें? करना क्या है, करना वही है जो इसने कहा है। क्या? मेरे को कैसे जानता है? तुम्हारी तो पूरी कुंडली है हमारे पास। कौन है तू? कौन है? सीआईडी।
सीआईडी। सीआईडी लो कमाल हो, अब तो सीआईडी भी मेरा हालचाल पूछने आने लगे। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त बॉबी का भी हालचाल लेने आया। कौन बॉबी? वही जो जेल में तेरे साथ था, तेरा साथी था। तो अभी कहाँ है वो? होगा अपने घर पे। घर पे नहीं है वो, इसीलिए हम तेरे पास आए हैं। तुझे सब कुछ मालूम है, बता कहाँ है वो। देखो साहब, आप लोग बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। सोच लो रंगा, दो दिन के बाद तुम्हारा फैसला होने वाला है। अब तुम फांसी पे चढ़ना चाहते हो या सीआईडी की मदद करके जेल में रहना चाहते हो जिंदा? फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है रंगा, अगर सीआईडी की मदद करोगे तो शायद तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए। गोरेगांव के नूतन चाल में देख लो, वो वहीं रहता है। वैसे मुझे पक्का नहीं मालूम। सचिन वहां जाके पता करो, बॉबी है वहां पे। अरे साहब, मैं मदद कर रहा हूं, मेरी सजा कम तो हो जाएगी ना। उसके लिए तुम्हें सुधरना होगा रंगा, अपराध का रास्ता छोड़ दो, एक अच्छा इंसान बन के दिखाओ। ये रहा 63। दरवाजा खुला है भाई, अंदर आ जा। आप लोग कौन है भाई? बॉबी तुम ही हो? जी हाँ मैं ही हूँ बॉबी, बात कैसा? कश्यप को जानते हो तुम? कश्यप, उसको कैसे भूल सकता हूँ साहब, उसी की वजह से तो इतने दिनों तक जेल काट के आया हूँ मैं। अब फिर से जेल जाओगे तुम? जी, फिर से किस जुर्म में साहब? कश्यप की बेटी का खून और उसकी बीवी का अपहरण करने के जुर्म में। नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब, मैंने किसी का किडनैप नहीं किया साहब, मैं सच कह रहा हूँ। इतने दिनों जेल में रहने के बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूँ साहब, और वैसे भी एक बीमार आदमी किसी का क्या बुरा कर सकता है साहब। मैं 15 दिनों से काम पे भी नहीं गया हूँ साहब, आप चाहे तो पूछ लीजिए किसी से। क्या काम करते थे? दोस्त की कारपेंटरी की दुकान में काम करता हूँ साहब। दोस्त की कारपेंटरी की दुकान में? मतलब सर खूनी कोई लकड़ी का काम करने वाला आदमी है, जो लकड़ी के काम के साथ साथ उन्हें पॉलिश भी करता है। मतलब दया, ये कोई कारपेंटर है। तुम्हारे कारपेंटर दोस्त का नाम क्या है? जी श्रीकांत। खूनी कहीं श्रीकांत तो नहीं है? अरे भाई साहब ये, हाँ श्रीकांत कहाँ पे? वो वहां सामने। अच्छा वो सामने। श्रीकांत। हाँ बोलो साहब, फर्नीचर चाहिए? फर्नीचर नहीं चाहिए, बल्कि फर्नीचर के काम करने वाला आदमी चाहिए। अरे साहब यहाँ कहाँ मिलेगा आपको आदमी? कमाल है, वो तो कह रहा था कि श्रीकांत से जाके मिलो, फर्नीचर बनाने के लिए आदमी मिल जाए। कौन कह रहा है? बॉबी। मगर आप लोग कैसे जानते हो बॉबी को? वो जैसे तुम्हारा दोस्त है वैसे हमारा भी दोस्त है। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो मामूली कारपेंटर है, उससे आपको क्या काम है? खून। खून? मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, आप लोग हो कौन? सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी, तुमने कश्यप की बेटी का खून किया और उसकी बीबी को किडनैप करवा ली बॉबी के कहने पे। हाँ मैं बोला बॉबी के कहने पे किसी का खून क्यों करूंगा? क्योंकि बॉबी तुम्हारा दोस्त और वो बीमार है ये सिर्फ तुम जानते थे, और बॉबी और कश्यप का सारा इतिहास ये भी सिर्फ तुम ही जानते थे। बाबू कश्यप के बारे में हमेशा बातें करते रहता था, ये बात तो कोई भी बता सकता है। तो फिर और कौन हो सकता है वो? मालूम नहीं मैडम। मालूम नहीं, जरा ये कपड़े देखो, पता है ये कपड़े किसके? आप जानते हो? देखा है? नहीं साहब। देखो ना करने से काम नहीं चलेगा, ये खूनी आप लोगों के बीच का ही कोई है जो लकड़ी का काम अच्छी तरह से जानता था, और ये कपड़े उसी कारपेंटर के, ध्यान से देखो बताओ। नहीं साहब याद नहीं है।
ये हरिया, कहीं ये कपड़े बिरजू के तो नहीं? बिरजू? ये बिरजू कौन है? अरे ये तो यहीं पे काम करता था साहब। अब कहाँ है बिरजू? पता नहीं साहब, उसने 3 महीने पहले काम छोड़ दिया यहाँ से। 3 महीने पहले काम छोड़ दिया? सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, कहीं उस किडनैपर ने मेरे सारे पैसे ले लिए और मेरी बीवी के साथ कुछ कर दिया तो। देखिए मिस्टर कश्यप, आप घबराइए मत, किडनैपर्स को पैसे ऐसे नहीं दिए जाएंगे, पूरे इंतजाम के साथ दिया जाएगा। सर वो किडनैपर बहुत खतरनाक आदमी है सर, उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को मार डाला सर, और पार्टी में इतने लोगों के बीच में उसने मेरी बीवी को गायब कर दिया। हाँ चालाक तो है वो, और CID से बच के जाएगा कहाँ? इस बैग में हमने एक बग लगा दिया है, जिससे ये बैग जहां जहां जाएगा हमें पता चल जाएगा, ठीक है? किसका फोन है? पता नहीं सर, कोई अननोन नंबर है सर। कितना पैसा ही होगा? फोन उठाओ, बात करो, प्यार से बात करना है, ऐसी कोई बात मत करना जिससे शक हो, ओके? स्पीकर फोन ऑन करो। हेलो हेलो हेलो, इतना टाइम क्यों लगाया फोन उठाने में? वो क्या कर रहा है? देखो मैं बाथरूम में था। कोई चालाकी तो नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं देखो, कोई चालाकी नहीं कर रहा हूँ मैं। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? पैसों का इंतजाम हो गया, हो गया पैसों का इंतजाम। हाँ, पैसे मुझे लाने कहाँ है? होटल व्हाइट पार्क में आज रात 9 बजे। लेकिन ये पैसे मैं दूंगा किसको? वहाँ क्रिसमस पार्टी में एक लड़का होगा, सेंटा क्लॉज के पास खड़ा हुआ मिलेगा, उसके गले में काला मफलर पड़ा होगा, उसे देना। मैरी क्रिसमस। हेलो 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 हेलो, मैरी क्रिसमस। लेकिन मेरी बीवी कहाँ है? उन्होंने बोला कि वो आपके बीवी सही सलामत घर पहुंचेगी। बैग दीजिए ना प्लीज। का लोकेशन यही है सर, देवांशी का। तो फिर अभिजीत, लगता है देवांशी को यहीं कहीं इसी बिल्डिंग में छुपा के रखा होगा। हाँ वो देखिए अभिजीत, देवांशी को किसी भी हालत में बचाना ही चाहिए। सर लेट्स गो। से तो अभी भी चल रहा है। चाहे कुछ भी हो सर, मुझे ये लड़का मासूम लग रहा है। हाँ कोई मजबूरी होगी,
पैसों के लिए काम कर रहा है बेचारा। सही तो रुक गए। आसपास ही होगा, ज्यादा दूर नहीं गया। हाँ काफी टाइम हो गया, अभी भी वहीं रुका हुआ है। शायद खूनी ने उसे यहीं पे मिलने के लिए कहा होगा और वो देख रहा होगा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। गुड बॉय। हाँ बोल पार्टनर, पैसा मिला? हाँ मिल गया, उड़ा दे उसको। ठीक है उड़ा देता हूँ। अभिजीत, दीवान से जिंदा हो सकती है, नीचे चल कर देखते हैं, जल्दी चलो। सर ये तो डमी है, तो दीवानशी कहाँ? सर गोली अभी अभी चली है, ये लोग यहीं छुप के बैठे होंगे बिल्डिंग में। सर लेट्स गो अभिजीत। तेरे कहने के हिसाब से मैंने देवांशी को मार दिया है, अब जल्दी से पैसे लेके आ जा। कैसे पैसे? काम के। तेरा काम खत्म कर दिया है मैंने। काम खत्म तो पैसा भी खत्म। देख ये गलत है, तूने कहा था कि अगर मैं देवांशी को मार दूंगा तो हम सारा पैसा आधा आधा बांट लेंगे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तू पछताएगा। मैंने आज तक पछताना नहीं सीखा है। मुझे मालूम था तू जरूर अपनी औकात दिखाएगा, इसलिए मैंने तेरे लिए पहले से ही फांसी का फंदा तैयार करके रखा था। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। मैंने देवांशी को नहीं मारा है, वो जिंदा है। तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। मैंने फोन पर गोली की आवाज सुनी थी। तो एक काम कर, अब उसकी आवाज सुन ले। बोल। कौन हो तुम लोग? क्यों पकड़ के रखा है मुझे? प्लीज जाने दो ना प्लीज। सुन लिया? अब इस लड़की को मैं सीआईडी के पास लेकर जाऊंगा और ये तेरे बारे में सीआईडी को सब कुछ बता देगी। सीआईडी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद आ गए हैं यहाँ। हमसे मिले बिना कहा भाग रहे थे? सर सर मैंने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? नहीं किया। अरे सृजन जी, रक्षक खुद भक्षक बन गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया इसलिए भाग रहे हो? हम नहीं मारा शमोना को। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा, क्यों मार डाला उसे? पैसे के लिए लोगों के साथ जो धोखा करके पैसा कमाया है, वो पैसा चाहिए था मुझे। पैसा चाहिए था तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे देता। तुम सृजन, तुम तो सिक्योरिटी ऑफिसर थे ना कश्यप के, हिफाजत करने वाला ही खूनी बन गया। जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी, शर्म नहीं आई तुम्हें? कैसी शर्म? शर्म तो इन्हें आनी चाहिए, अपने ही पार्टनर को धोखा दिया। धोखा दिया इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बदला लेने के लिए किसी की जान ले लोगे? मुंह लटका के बैठने से कोई फायदा नहीं है। बताओ कैसे बनाया प्लान?
मैंने बॉबी और कश्यप के काले कारनामों के बारे में सुन लिया था श्रीकांत से। इसलिए तुम कश्यप को ब्लैकमेल करने लगे? हाँ। और ये इलेश, ये कहाँ से आ गया बीच में? इलेश ने मुझे फोन पे धमकी देते हुए सुन लिया था कश्यप को। और फिर इलेश तुम्हें ब्लैकमेल करने लगा? जी, मैंने इलेश को फिरौती की रकम में आधा हिस्सेदार बना दिया। लेकिन कश्यप हमारी बातों को मजाक में ले रहा था, इसलिए शिमोना को मार दिया ताकि कश्यप डर जाए और पैसे दे दे। जी हाँ। पाप का पैसा किसी को नहीं फलता है मिस्टर कश्यप। जो पैसा तुमने लोगों को धोखा देके कमाया, उसी पैसे ने तुम्हारी बेटी की जान ले ली। और तुम लोग शर्म नहीं आई तुम्हें एक मासूम का खून करते हुए? उसकी मां को भी किडनैप किया पैसों के लिए। उन्हीं पैसों का हिसाब तुम सबको देना होगा जेल में। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।